होटानोर। तो दोस्तों अभी हमारे सामने खड़ी है एक इंडियन 7 सीटर SUV जिसका नाम है टाटा सफारी। फर्स्ट टाइम सफारी को लॉन्च किया गया था 1998 में और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका 2021 का लास्ट जनरेशन वेरिएंट। सफारी को डिज़ाइन किया है प्रताप बोस ने, जिन्होंने नेक्सॉन और हेरियर को भी डिज़ाइन किया है। काफ़ी स्टाइलिश फ्रंट डिज़ाइन है। लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर लिए गए ओमेगा आर पर बनी है, जिसके ऊपर हैरियर, जैगुआर ई-पेस, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट और रेंज रोवर इवोक को भी बनाया गया है। सफारी के नए सेगमेंट को फुल्ली फीचर लोड करने की पूरी कोशिश की गई है टाटा मोटर्स के द्वारा। ऑटो जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, फॉग लैम्प विद कॉर्नरी फंक्शन, LED DRL इंडिकेटर के साथ, और यह है टाटा की लेटेस्ट ट्राई एरो ग्रिल। टाटा मोटर्स का लोगो, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, फ्रंट विंडस्क्रीन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विथ इंडिकेटर, सनरूफ, शार्क फिन एंटेना, रूफ रेल्स, रूफ रेल्स पर सफारी की बैजिंग, 4.6 मीटर लेंथ, 1.8 मीटर हाइट और लगभग 1800 kg का कर्ब वेट आएगा। 5.8 मीटर के टर्निंग रेडियस के साथ डायमंड कट अलॉय व्हील्स, आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। इसमें भी सेफ्टी के लिए मिलेगी 6 एयरबैग्स, ऑफ रोड ABS/ABD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, स्टेबिलिटी कॉर्नर कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, अलार्म, IXOFIL चाय सीट माउंटिंग और फ़ोन कनेक्टिविटी। इसको आप फ़ोन के कनेक्ट करके कार के कहीं फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। पहले सफारी का बूट ओपन करते हैं। 2 inline LED टेल लैम्प्स विद इंडिकेटर, क्रोम में सफारी की स्टाइलिश बैजिंग, टाटा मोटर्स का लोगो, रियर कैमरा, रियर वाइपर, स्पॉइलर के साथ आएगी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, थर्ड रो सीट्स फोल्ड करने पर मिलेगी 910 लीटर की बूट स्पेस और सेकेंड रो सीट्स फोल्ड करोगे तो मिलेगी 1658 लीटर की बूट स्पेस। ये हो गई 910 लीटर की बूट स्पेस। और ये हो गई 1658 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी बड़ी लग रही है। बूट के अंदर लाइट दी गई है, टूल किट, स्पेयर व्हील, हाई रियर पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं क्या क्या ऑन ऑफर मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स मिलेंगी,
दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स है, पावर विंडो का कंट्रोल, JBL के स्पीकर, मूड पे सॉफ्ट लेदर फिनिश दी गई है। लाइट 9 स्पीकर JBL का सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा सफारी में। सनरूफ, ग्रैब हैंडल, रीडिंग लाइट। दोस्तों ऐसा दिखता है कुछ डैशबोर्ड, काफी स्टाइलिश डिजाइन दी गई है। लेट्स चेक इट आउट, थर्ड रो सीट्स। कार के बी पिलर के ऊपर एसी वेंट, 40% वाली सीट्स टंबल वाली मिलेंगी, जिससे आप थर्ड रो सीट एक्सेस कर सकते हैं। काफी कंफर्टेबल थर्ड रो सीट्स, सी पिलर के ऊपर एसी वेंट, 5 वोल्ट के दो USB पोर्ट्स। थर्ड रो सीट्स में दिया गया है AC एडजस्टमेंट, सीट बेल्ट्स, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रीडिंग लाइट। यहाँ से भरेंगे डीजल, कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर्स, नीचे लाइट दी गई है, 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, 4 RVM के कंट्रोल, दोनों फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलेंगी, 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सीट वेंटिलेशन का बटन, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्मार्ट की मिलेंगी। स्टाइलिश इग्निशन स्टार्ट, दोस्तों ये है टाटा सफारी का टिल टॉप टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जिसको हैरियर में भी यूज किया गया है। वॉल्यूम के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल, ऑटो डिमिंग ORVM। आप देख सकते हैं अंदर कलर चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सा ब्लूइश हो गया, इसको नॉर्मल कर देते हैं। दोस्तों ये है 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड इंफोटेनमेंट, जो दिखाएगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, USB, फोन, ऑडियो सेटअप, वॉइस कमांड, सेटिंग्स और भी कई सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, थीम्स, कलर।
टेम्परेचर कंट्रोल एसी, दोस्तों ये है टाटा सफारी का 6 स्पीड ऑटोमेटिक डीएसडी ट्रांसमिशन विद स्पोर्ट मोड। मैन्युअली भी आप इसको चला सकते हैं। ड्राइविंग मोड्स के कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कप होल्डर्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर लाइट, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, 2 USB के पोर्ट्स, रीडिंग लाइट। दोस्तों ये है 7 इंच का TFT डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाता है फ्यूल लेवल, रेंज, एवरेज, RPM, ड्राइविंग मोड, टेम्परेचर, टाइम और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कार को लॉक करना है तो आप सिंपली ड्राइवर साइड डोर को आप लॉक कर देंगे तो पूरी कार लॉक हो जाएगी। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल बटन नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी USB के पोर्ट्स दिए गए हैं। चलो बोनेट खोलकर आपको दिखाता हूँ सफारी का डीजल इंजन। तो दोस्तों ये है टाटा सफारी का 2000cc का इनलाइन 4 सिलेंडर का टाटा क्रायोटेक जेट टूल डीजल इंजन जो जनरेट करेगा 167 हॉर्स पावर, 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 15 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक के गेयरबॉक्स से और 16 का एवरेज मिलेगा मैनुअल के गेयरबॉक्स से। बोनेट को ठंडा रखने के लिए इंसुलेशन दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको टाटा सफारी? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।